दोस्तों हर रंग में जय माँ। दोस्तों आज मैं आपको ऋषि कह रहा हूँ ऋषि किसके परमार्थ आश्रम। और दोस्तों अभी आरती में से कि आपको बता दूँ आरती में अभी करीब 5:30 बजे के लगभग यहाँ पर आरती होती है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर आप अलग अलग तरह की झांकियाँ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिखाते हैं ये सब दोस्तों झांकियाँ अंदर जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है, उनसे सबसे संबंधित झांकियाँ अंदर मिलेंगी आपको। मैं भगवान भोलेनाथ का जो नटराज जो अवतार है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का देखे दोस्तों, आज मैं आपको जैसे परमार्थ आश्रम मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ दोस्तों आपको किस तरह से यहाँ पे जो है श्रवण कुमार से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पे अलग अलग तरह की झांकियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों श्रवण कुमार जिनका कि दशरथ जी द्वारा अनजान में गलती से वध कर दिया गया था, जिसके कारण ही आप जैसे जान सकते हैं कि रामायण में जो रावण का मर्दन हुआ है। देखिए भगवान नरसिंह अवतार जो कि प्रहलाद जी के परम प्रिय नरसिंह जी, नरसिंह भगवान, और किस तरह से इन्होंने हिरण्यकश्यप का जो वध किया है। देखिए भगवान भोलेनाथ का जो होता है, और मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों और अंदर परमार्थ आश्रम के, क्योंकि परमार्थ आश्रम जो कि एक दिव्य आश्रम दोस्तों कह सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए आपको भगवान कृष्ण की लीला के बारे में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए दोस्तों जो मीराबाई जी हैं जो कि भगवान कृष्ण की परम प्रिय भक्त हैं। ये देखिए भगवान कृष्ण जो कि गौ सेवक के रूप में अपने को जानना चाहते हैं। और ये देखिए सामने जो हमारे जो 4 धाम हैं उनका दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए बुद्ध जी, और अब मैं आपको ले चलूँगा सत्यवन भवन की और अंदर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर परमार्थ आश्रम में एक लंबा सा कॉरिडोर है, ऐसे होते हुए अभी हम लोग चलेंगे पीछे जो है यहाँ पर अंदर की ओर। अब देखते हैं अंदर और क्या मिलेगा दोस्तों, और मैं एक बार को दिखाता हूँ किधर से पीछे की तरफ से हम लोग आए अंदर चलते चलते। जब एंटर करेंगे तो यहाँ से दोस्तों जहाँ से हमकी जो मेन एंट्री है वहाँ पर सामने आरती होती है। तो मैं अभी आपको जब बाहर निकलूँगा तो मैं दिखा दूँगा आपको, काफ़ी लंबा कॉरिडोर है। और यहाँ पर आप जो है जो विदेशी जो भक्त बने आपको काफ़ी मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक आपको कैंटीन मिलेगी, कैंटीन में आप जलपान कर सकते हैं। ये पीछे का गेट है देखो, और यहाँ से आप बाहर जब आएंगे यहाँ पर एक वाटिका है, वाटिका के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, और बाहर से जाने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या है। तो जैसे कि अभी हम लोग बाहर निकले तो मैंने अभी पता किया यहाँ पर दोस्तों रहने का है, और यहाँ पर जो हॉल है वहाँ का मेंटेन चल रहा है योगा हॉल। तो अभी यहाँ पर अंदर कुछ नहीं है, तो अभी हम लोग चलेंगे वापस, और मैं यहाँ से बिल्कुल बाहर निकलने के बाद आपको दिखाऊँगा दोस्तों कि आप जो है इस तरह से जो माँ गंगा की आरती जो कि परमार्थ आश्रम की सबसे मुख्य आरती यहाँ पर, वो देख के दर्शन कैसे कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं परमार्थ आश्रम कितना प्रसिद्ध है दोस्तों, जैसे कि आप देखिए सामने जो है अभी हमारी जो भी आजकल राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो भी अभी यहाँ पर आके गई हैं दोस्तों। भगवान शिव की जो मुद्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल आपको यहीं मिलेगी। अरे मैं आपको लेकर चलूँगा यहाँ से दोस्तों योगा डे जैसे लिखा रिसेप्शन सत्संग है उधर के तरफ चलेंगे, और देखते हैं अंदर और क्या चीज़ है। सामने मुझे एक थोड़ी वाटिका सी दिखाई दे रही है, तो उधर मैं आपको लेकर चलूँगा। सामने कॉरिडोर पार करके मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और दोस्तों भोजनालय भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भोजनालय भी है।